जय जाता सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आपके साथ इस लाइव सेशन में बने हैं और इस लाइव सेशन को पढ़ भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस सेशन में बने होंगे, क्लास में बने होंगे। इस क्लास के अंदर तक कॉपी कलम के साथ हम लोग साथ में रहेंगे और देखेंगे कि आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो उन पर भी फोकस करेंगे, उनको भी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं, एक बार ज़रा कॉमेंट करके बताइएगा कि मेरी आवाज़ साफ आ रही, वीडियो साफ चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि ये सीरीज जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जीएस के वो प्रश्न हैं जहाँ शक के परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। आप सभी साथी कॉपी कलम के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि ये सीरीज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है इसको फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहेंगे। यहाँ पर हम एक एक करके सभी सवालों को पढ़ेंगे, उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी अहम है। तो यहाँ पर ये जीएस जीके के वे प्रश्न हैं जो इस सत्र में, इस साल में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल आपके सामने है, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करने वाला पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी मित्र कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जरूर जवाब देंगे, क्योंकि वो सीरीज है जो मैंने आपको बताया कि काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न नंबर एक की बात करें तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखिए इतिहास, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान, यूपी स्पेशल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, यूपी स्पेशल, इन सभी को मिलाकर ये जीएस स्पेशल को और जीएस स्पेशल बना दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। फटाफट अंदाज में पढ़ेंगे, शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि सर काफी फास्ट पढ़ा रहे हैं। अगर प्रश्न नंबर दो की बात करें कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़ से। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी जवाब देंगे कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ। ये प्राचीन इतिहास के वे सवाल हैं जो आपके परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं या कई बार पूछे जाते हैं। जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर दो की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सभी ने एकदम सही बताया, मोहन जोदड़ो। जी हाँ, मोहन जोदड़ो में सिंधु सभ्यता की हम बात करें जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं इसी के साथ नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। मौर्य काल में कंटक शोधन था, फौजदारी अदालतें, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, एक प्रकार का कर। ये प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल हैं और यू कह सकते हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर के वे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में बहुतायत पूछे जाते हैं। तो सभी साथी मित्र इनके जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। जी अगर प्रश्न नंबर तीन की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा फौजदारी अदालतें। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है, राजस्थान के किस जिले में बागौर नामक मध्य पाषाणिक स्थल की खोज की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह है आपका भीलवाड़ा, मतलब इस सवाल का सही विकल्प जो है बी है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट कर ले अपने पास, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी मित्र, क्योंकि ये काफी अहम और काफी इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने आपको कई बार बता दिया है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग और आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, माध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। अगर प्रत्येक दिन आप क्लास में बने रहेंगे तो आपको लगेगा हर दिन कि सर आज तो कुछ नया पढ़ाया आपने, आज का जो प्रश्न था वो काफी नया आपको लगा। इसलिए आपसे मैं बार बार कहूंगा कि डेली क्लास में आप लोग टाइम से टाइम तक के लिए बने रहिएगा। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे प्रतिदिन क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि ये सीरीज मैं बार बार कहूंगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जी अगर प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो वल्लभाचार्य इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है, इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया, चंदेल, राष्ट्रकूटों ने, चेदी ने, परमार ने। प्रश्न नंबर 6 को सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, यह वीडियो आपके फेसबुक पे, यह वीडियो आपके यूट्यूब पर, सभी जगह लाइव चल रहा है और हम चाहेंगे कि सभी लोग इस प्रश्न के जवाब देते रहें और आगे भी बढ़ते रहें। जी प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे तो चंदेल इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर चंदेल बताया तो आपका जवाब सही है। अगला सवाल है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अंदाज में जवाब देंगे, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, सभी साथियों का जवाब आना चाहिए और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब भी देते रहें, शेयर करते रहें। कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग, ए वालों के जवाब यहाँ पे सही। अगला है, कौन सा राजवर हूणों के आक्रमण से
अत्यंत विचलित हुआ। शुंग, कुषाण, मौर्य, गुप्त, सभी लोग जवाब दीजिएगा जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी साथी मित्र इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए और सभी साथी इसको अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और हम चाहेंगे आप लोग इस सेशन के अंत तक बने भी रहें। सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, हाँ जैसे हम वीडियो को शेयर कर ले भाई, आप लोग तो शेयर नहीं करेंगे, कम से कम हम तो वीडियो को शेयर कर दे, लोगों तक तो पहुंच जाए। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आपके लिए है, ये निःशुल्क क्लास है, डेली आपको लिए एकदम टाइम से लाइव आ जाती है क्लास। चलिए अब हम लोग का काम है पढ़ने का, तो फटाफट अंदाज में केवल हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो हूणों के आक्रमण में अत्यंत विचलित हुआ था वो गुप्त वंश था। डी वालों का यहाँ पे जवाब पूरी तरह सही, काफी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अगला आपके सामने तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया, घुमा घुमा के पूछा जाता है, मैंने हर बार एक नए अंदाज में सवाल पूछा जाता है और हमें चाहेंगे आज भी आप इस नए अंदाज के सवाल को बताएं। 1526, 1528, 1556, 1565, सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर उत्तर होगा इसका 1565 का। तालीकोटा युद्ध किनके बीच हुआ था, जरा कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग रेगुलर क्लास में बनते हैं या डेली रेगुलर क्लास में रहते हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि तालीकोटा युद्ध किनके बीच हुआ था। नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, बहादुर शाह, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, अमहद शाह, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अंदाज में सबके जवाब आने चाहिए, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर, आप जहां भी देख रहे हैं सभी साथी इसके जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं ना सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट अंदाज में, सभी लोग फटाफट अंदाज में इसका जवाब दीजिएगा। जी हाँ, अगर हम आप इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो एकदम सही आप लोगों ने बताया है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है आपका मोहम्मद शाह, इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी के संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी काफी इंपॉर्टेंट है और इनके चाचा का नाम क्या था, जरा कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अलाउद्दीन के चाचा जी का नाम क्या था। उम्मीद करते हैं जितने भी साथी मित्र हमारे साथ वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे साथ वीडियो को पढ़ रहे होंगे, वो ये जरूर जानते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी का नाम क्या था। तो जरा फटाफट कमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, आप सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। उसके ने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, उसने किस जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। तो जितने भी लोग हैं हमारे साथ फिर सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, फटाफट अंदाज में जवाब देते रहिए, बताइए मेरे साथियों। चलिए वैसे आप लोग का जवाब भी आना शुरू हो गया, काफी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब भी दिया है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा एक और तीन, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया, उसने किस जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। और सबसे बड़ी बात आप तो जानते रहिएगा कि आप सभी लोगों को शायद पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ प्रमुख ऐसे काम है जो आज भी दुनिया याद करती है, जैसे घोड़े दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ऐसे और कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं, वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके आप बताएंगे जो भी साथी से हमारे साथ पढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे एक बार इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे, जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन को पढ़ रहे हैं एक बार फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। चलिए अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मेरा काम है जवाब देने का, क्योंकि मैं उसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो में बने हैं वे सभी साथी इस वीडियो के अंत तक भी बने रहें। जी हाँ, प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो फरुद्दीन गंज शक्कर, सी वालों के जवाब सही है। दक्षिण में बहमनी राज के संस्थापक कौन थे, ये बहुत आसान सवाल है कि दक्षिण में बहमनी राज के संस्थापक कौन है, सिकंदर शाह, मलिक अंबर, मोहम्मद दीवान, हसन गंगू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, हसन गंगू। अगला आपके सामने, मीराबाई समकालीन किसके थी। अगर आप सवाल आ जाए कि जो मीराबाई थी वह किसके समकालीन थी, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के जवाब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर हम तक प्राप्त होंगे। जी हाँ, अगर हम बात करें तुलसीदास, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, इस प्रश्न का उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा कब पारित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। 18 जुलाई 1947, 4 जुलाई, 15 अगस्त, 14 अगस्त 1947।
मेरी साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है क्या, किसी को दिक्कत नहीं आ रही है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, आवाज़ साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है, एक बार कमेंट करिएगा आवाज़ साफ आ रही है। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा कि आवाज़ साफ आ रही है ना, एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग, आवाज़ आ रही है नहीं, थोड़ा सा इरर हो गया। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा आवाज़ आ रही है साफ, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए आवाज़ साफ आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आवाज़ साफ आ रही है तो हम इस वीडियो सेशन को और आगे लेकर आपके साथ चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो कूका आंदोलन है उसकी नींव पड़ी थी, अगर प्रश्न नंबर 20 की बात करें, सभी लोग ध्यान से देखिएगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, पंजाब। अगला है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? ठीक, अब आवाज़ आ रही है, जरा कमेंट करके बताइएगा, अब तो आवाज़ आ रही है ना, सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके, अब तो आवाज आ रही है ना, हेलो, अब तो आवाज आ रही है ना आप लोग को? ठीक है, ठीक, आवाज आने लगी है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो जवाब सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए प्रश्न की तरफ। अगला है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? फटाफट जवाब दीजिएगा। और इसके पहले दिल्ली कहाँ थी? सबसे पहले किस शासक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई? बताइए फटाफट कमेंट करके। प्रश्न नंबर अगर 22 की बात करें तो आप इस प्रश्न का उत्तर होगा 1911। थोड़ा सा फटाफट अंदाजे पढ़ेंगे आप। निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? बकिंगम पैलेस, सेवन रेड कोर्ट, लंदन हाउस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का, तो यहाँ पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा? डी। ये कहाँ का है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम। भारतीय प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 24 की बात करें तो ये पोंगल जो है ये तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। नाथुला दर्रा अवस्थित है, दर्रा भारत का भूगोल सवाल है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ से इतिहास, माने 1 से लेकर 24 तक के जो सवाल थे वो हम लोगों ने इतिहास के सवाल पढ़ लिए, जो 3 सेक्शन में थे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब नाथुला दर्रा, अगर यहाँ से भूगोल शुरू हो चुका है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी, सिक्किम। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये एकदम आसान सा प्रश्न है। भारत में स्थित सबसे ऊंची झील क्या है? लोकटक, चोलामू, चिल्का, वुलर। 27 से जो सभी लोग दीजिएगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची झील अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊंची झील जो है वो चोलामू झील है, अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या होगा? बी। अगला है, भारत किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पंजाब। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत मैनचेस्टर की बात करें तो मैनचेस्टर उत्तर भारत का होगा, भारत का होगा, दक्षिण भारत का होगा। तो मैनचेस्टर से 3 सवाल पूछे जाते हैं, और उम्मीद करते हैं तीनों तरह के सवालों से आप परिचित होंगे, तीनों तरह के सवालों को आप सभी भली भांति जानते होंगे, क्योंकि 3 तरह के सवाल पूछा जाता है परीक्षा में। जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो 28 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, भारत की लंबी, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है? भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से साझा करते हैं, तो सबसे लंबी जो है वो आपकी गुजरात है, और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो गोवा है। रेड रॉट, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, प्रश्न का उत्तर सी है। यहाँ पे कह रहा है रेड रॉट रोग किस फसल में होता है? रेड रॉट की बात करें, आलू, गेहूं, धान, गन्ना, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, गन्ना। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके सामने है। हरित क्रांति से लाभान्वित मुख्य फसल क्या थी? मतलब हरित क्रांति से सबसे ज्यादा किस फसल को फायदा हुआ वो वहां पर यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर हम प्रश्न नंबर 32 की बात करें तो यहाँ पर गेहूं और धान, मोटे अनाज ऐसे पूछा जाता है, तो मोटे अनाज, अगर मोटे अनाज पूछा जाए तो गेहूं, उसके बाद चावल, चावल का मतलब है धान। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और यहाँ पर जो आपके सामने दिया गया है उन पर भी आपको चर्चा करना। आलू का सर्वाधिक उत्पादक उत्तर प्रदेश में होता है, जी हाँ ये आपका सही है।
कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है? गलत। जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल, ये भी गलत। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? केवल ए। तो आप देख रहे हैं फटाफट अंदाज में सवालों को कितने आसानी से कर पा रहे हैं। अगला है, कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी। चौथी से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? कावेरी नदी। ये हम लोगों ने पढ़ाया और आपने याद पढ़ा होगा तो याद होगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? सर जवाब दीजिएगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश करता है, असम करता है, मिजोरम करता है, त्रिपुरा दो से नहीं करता। त्रिपुरा क्या है? तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, तो त्रिपुरा तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। अगला है आपके सामने, कह रहे कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तीन है और एक नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। ओयासियो की धारा है, अलास्का की धारा है, कैलिफोर्निया की धारा है, अगुलहास की धारा नहीं है। अगुलहास की धारा कहाँ की है कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए ध्यान दीजिएगा, कौन सा एक दक्षिण पूर्वी चीन की प्राकृतिक वनस्पति है? यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो पुथु प्राणी, ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं। यहाँ पर शीतोष्ण सदा पहाड़ी, तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो आपके सामने आ रहा है। कौन सी एक शीत अस्थाई पवन है? शीत अस्थाई पवन, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। देखिए, चिनुक, लू, सेंटा एना, ये गर्म है, लेकिन मिस्ट्रल जो है ये शीत अस्थानी पवन है। मेरा सवाल आपसे है कि मिस्ट्रल कहाँ पे बहने वाली एक हवा है? चिनुक को बर्फ खाने वाली हवा कहते हैं, ये यूएसए अमेरिका की है, लू की बात करें तो इंडिया की है, तो मिस्ट्रल कहाँ की है कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। ये सब लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल जाएगा। अगर बात किया जाए 1914 में खोली गई पनामा नहर किसे जोड़ती है? जी हाँ, लाल सागर, भूमध्य सागर, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। सवाल का सही उत्तर क्या होगा? बी। दस्त ए लूट अवस्थित है नाइजीरिया में, लीबिया में, किन्ने में, ईरान में। देखिए, सभी लोग डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पर दुर्गेशर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़े रहेंगे, ताकि हर सवाल के जवाब जो है आप सभी को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिलती रहे। जी हाँ, यहाँ पर नाइजीरिया, लीबिया, केन्या, ईरान, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, ईरान में। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किसे का स्रोत है? ये विश्व भूगोल की सीरीज है। रेड रिवर, मिसिसिपी, मिसौरी, रायो ग्रांड, मिसौरी, मिसिसिपी। मिसिसिपी आगे चल के मिसौरी से मिल जाती है, तो इसको कहते हैं मिसिसिपी मिसौरी। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी कहां पर है? सभी लोग बताइए, जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं। यूएसए में है, अफगानिस्तान में है, चिली में है, बुरुंडी में है, तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला है एक कूट वाले सवाल है, मैं चाहूंगा इस कूट वाले सवाल का जवाब सभी साथी दीजिएगा। कह रहा है कि कथन है पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इससे इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है, तो प्रश्न नंबर 43 के जवाब सभी लोग दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ये भी सत्य है, लेकिन ये इसका क्या है, स्पष्टीकरण नहीं है, व्याख्या नहीं करता, इसलिए सवाल का उत्तर क्या होगा आपका? बी। निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? समाना बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैंने आपको कई बार बताया कि बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा अंत तक बने रहिएगा। अगर हम प्रश्न नंबर 44 की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उष्णकटिबंधीय है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है लखनऊ में, बंगलुरु में, मुंबई में या नई दिल्ली में? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर डी, नई दिल्ली। अगला है सम्मिलित करने वाला टॉपिक है और मैं चाहूंगा आप लोग इसको सम्मिलित करिएगा। ये दिवस है और ये दिवस सभी को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ओजोन दिवस 16 सितंबर, जैव विविधता 22, पृथ्वी 22 अप्रैल। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 एकदम क्रम से है और किसी का भी यहाँ पर गलत नहीं होगा। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है किस देश में डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? भारत, चीन, पाकिस्तान, मॉरिशस। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, मॉरिशस। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद।
यहाँ पे प्रश्न का उत्तर होगा ए कलकत्ता। अगला है भारतीय समुद्र तट जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है वायु विलय, औद्योगिक बहिष्राव, नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन, तेल का फैल जाना। 49 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा तेल का फैल जाना डी। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? ताड़क, परिपादक, नितल जीवजात, प्लवक। ताड़क, ये बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट है, हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी जल में बीओडी की अधिकता संकेत देती है? बीओडी का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा। देखिए नोट संबंधी अगर कोई भी जानकारी इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं सभी साथी। बीओडी का फुल फॉर्म बताइएगा। यहाँ पर क्या होगा, एट्रोफिक गैस प्राप्त कर रहा है, खनिज प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, वृक्ष है, नीम, आम, महुआ, सीतासो। जवाब दीजिएगा सभी लोग, जवाब दीजिएगा। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सीता अशोक, माने डी वालों के जवाब सही है। अगला है सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है? मांग पर आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कभी प्रत्यक्ष कभी व्युत्क्रम संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है प्रत्यक्ष। देखिए अब यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू हो रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज में हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। प्रत्यक्ष संबंध होता था, सवाल का उत्तर क्या होगा, डी होगा। किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? पाल क्रुगमैन, गैरी वेकर, डेविड रिकार्डो, मिल्टन फ्रिडमैन। प्रश्न नंबर 54 जवाब दीजिएगा। यहाँ पर होगा डेविड रिकार्डो ने। सी वालों के जवाब यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने है। वैश्विक आर्थिक संतुलन सूचकांक, ये देखिए आपका करंट है और ये हमेशा अपडेट होता रहता है, ठीक है, इसलिए आप इसे अपडेट के रूप में पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कि भारतीय वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 को। ए वालों के जवाब यहाँ पर सही है। अगला है भारतीय आयकर अधिनियम धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? चलैया समिति, सोम समिति, रंगराजन समिति, केलकर समिति। केलकर समिति डी। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सभी लोग जवाब दीजिएगा कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, सभी लोग जवाब देते रहिएगा कि पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बैंकों का। 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, दोबारा भी उन्होंने ही किया था। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जी हाँ, यहाँ पर एकदम सही आप लोगों ने बताया है, वित्त मंत्रालय। परिवहन, संचार और वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं?